आप सबके बीच में आकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और इस हाल में लगातार पिछले दो दिनों से मैं आ रहा हूँ और सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है कि जो पिछले दो दिनों से आज तीसरा दिन है ये तीनों दिन इसी हाल से और विज्ञान भवन में संविधान दिवस को ही समर्पित किए हैं। जब मैं यहाँ 25 नवंबर को आया वो कार्यक्रम आयोजित हुआ था लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, कल जब 26 को आया तो कार्यक्रम था भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो हमारे सभी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, लेजिस्लेटर्स हैं और सभी लोग हैं उन सबके द्वारा, लेकिन विषय एक ही है, संविधान दिवस। संविधान दिवस मुझे लगता है कि शायद ये पहला मौका है देश में, एक बार तो मनाया जाता था लेकिन तीन तीन दिन तक और लगातार इस विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में मनाया जाता हो ये मुझे नहीं लगता है कि पहले कभी हुआ। संविधान दिवस तथा डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती की स्मृति में इंटरनेशनल अंबेडकर कंक्लेव का आयोजन एक अत्यंत प्रशंसनीय पहल है। शिक्षा, समावेशी विकास, समता और सशक्तिकरण द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रेरित होकर इस सम्मेलन का आयोजन करने के लिए मैं फोरम ऑफ एससी एंड एसटी लेजिस्लेटर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस की सराहना करता हूँ। विशेष रूप से मैं सराहना करता हूँ जिनको मैं बरसों से जानता हूँ, आदरणीय चरणजीत सिंह अटवाल, वो संसद में कई बार रहे, लोकसभा में डिप्टी स्पीकर रहे और संयोग से उन्हीं दिनों मैं भी राज्यसभा में था। लगातार एससी एसटी के मुद्दों को लोकसभा हो अथवा बाहर, इनको उठाते रहना, उन पर गहन चर्चा करना, सभी लोगों को साथ में लेकर के चलना, और जब यहाँ से चले भी गए तो मैंने देखा कि जब वो पंजाब गए तो पंजाब के जब वहाँ स्पीकर बने वहाँ पर भी उन्होंने यही काम जारी रखा। इसलिए वो जो कुछ उनके दिल में है आज जो वो बोल रहे थे वो अपने दिल की बात कह रहे थे, और इसीलिए जब उन्होंने आमंत्रित किया मुझे तो मैंने कहा अटवाल साहब मैं ज़रूर आऊँगा, तारीख में कुछ हो सकता है। और सही मायने में जब तारीख की बात आई तो मैं तो तारीख के लिए 26 तारीख को देने के लिए तैयार था, लेकिन जब बाद में बताया गया कि इसी प्लेनरी हॉल में जिस दिन राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होगा उस दिन किसी भी संस्था को ये हॉल नहीं मिलता है, तो इसलिए फिर ये तय हुआ कि 25-26 निकल जाने के बाद में 27 तारीख बचती है तो 27 तारीख को करेंगे और मैं ज़रूर आऊँगा। मुझे बहुत इस बात के लिए खुशी है कि उसको हम बिगनिंग कह सकते हैं, बट इट्स ए गुड बिगनिंग, गुड बिगनिंग। बाबा साहब ने कहा था कि न्याय, बंधुता, समता और स्वतंत्रता से युक्त समाज ही मेरा आदर्श समाज है। इसी आदर्श का समावेश उन्होंने हमारे संविधान में किया। जैसा कि हम जानते हैं हमारे संविधान का मूल उद्देश्य एक ऐसे लोकतंत्र का निर्माण करना है जिसमें सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त हो, समस्त नागरिकों में बंधुता बढ़े। मैं समझता हूँ कि इस फोरम द्वारा किए जा रहे प्रयास उस आदर्श समाज की ओर उठाए जा रहे सच्चे कदम हैं।
ऐसे प्रयास करते रहना ही डॉक्टर अंबेडकर के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करना है। डॉक्टर अंबेडकर ने असमानता की अमानवीय स्थितियों का सामना करते हुए असाधारण शिक्षा के बलबूते पर तरक्की और प्रतिष्ठा हासिल की थी। सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते हुए उन्होंने भारतीय समाज को सही अर्थों में आधुनिक समाज बनाने की दिशा में अपना अद्वितीय योगदान दिया। उनकी पुण्य स्मृति में ये कृतज्ञ उनको राष्ट्र बार बार नमन करता है। हमारे संविधान का निर्माण एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा के हाथों हुआ है जिससे विश्व के दिग्गज बुद्धिजीवी भी अभिभूत हो जाया करते थे। जिस समय डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, उसे कई लोग उस विश्वविद्यालय का स्वर्ण युग, गोल्डन एरा कहते थे, और विश्व के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, हम सब लोग जानते हैं बाबा साहब बेसिकली ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट, और जिन बातों का उल्लेख किया सांपला साहब ने वो बातें सच हैं, और इसीलिए लेकिन इकोनॉमिस्ट होते हुए भी उनका जो सामाजिक दर्शन था वो अद्वितीय था। और वहाँ पर जो उनके गाइड एंड फिलॉसफर इकोनॉमी में थे, विश्व के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर एडविन सेलिगमन, उनके रिसर्च जो गाइड भी रहे थे, उन्होंने विश्वविद्यालय के सोविनियर में लिखा था कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में यदि कोई छात्र पढ़ने आया है तो बी.आर. अंबेडकर, और यदि अंतिम छात्र पढ़ कर के गया है तो वो भी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। ऐसे प्रतिभाशाली डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित भारतीय संविधान ने निसंदेह हमारे लोकतंत्र को एक मजबूत ढांचा दिया है जो कि लचीला भी है, ताकि समय के साथ होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप इसमें संशोधन किया जा सके। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के हर वर्ग के लोगों की आशाओं को पूरा करने के रास्ते डॉक्टर अंबेडकर ने के बनाए हुए हमारे संविधान में उपलब्ध है। संविधान के प्रारूप को प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक नैतिकता के महत्व को रेखांकित किया था। उन्होंने कहा था कि संवैधानिक नैतिकता को विकसित करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। यह कहकर उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया था कि भारतवासियों को संवैधानिक नैतिकता का विकास करते रहना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में संविधान को समझने, उसकी रक्षा करने और उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने के रास्ते स्पष्ट किए हैं। उन्होंने संविधान के दायरे में रहकर काम करने तथा संविधान और कानून के शासन की अनिवार्यता के विषय में समझाया। उन्होंने कहा था कि किसी भी संविधान की सफलता का आधार केवल उसमें निहित प्रावधान ही नहीं है, संविधान की सफलता जनता पर तथा उन राजनैतिक दलों पर भी निर्भर करता है करती है जिनका उपयोग जनता अपनी आकांक्षाओं और राजनैतिक प्राथमिकताओं को अंजाम देने के लिए साधन के रूप में करती है। हमारे पास विरोध व्यक्त करने के संवैधानिक तरीके उपलब्ध हैं, अतः संविधान विरोधी ग्रामर ऑफ एनार्की से बचना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता को वे एक दूसरे पर निर्भर मानते थे। इन तीनों में किसी एक के अभाव में बाकी दोनों अर्थहीन हो जाते हैं। उन्होंने कहा था कि मात्र राजनैतिक लोकतंत्र से संतुष्ट होना अनुचित होगा, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना भी करना आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा था कि लोग जनता द्वारा सरकार से अधीर हो चुके हैं और जनता की सरकार के प्रति भी उदासीन हो रहे हैं। वे ऐसी सरकार चाहते हैं जो जनता के लिए हो।
उन्होंने कहा था कि हम ये संकल्प लें कि जनता के लिए सरकार चलाने के रास्ते में जो अड़चन पैदा हो उसे पहचानने में हम तनिक भी कोताही या आलस नहीं करेंगे और उसका खात्मा करने के अपने अभियान में जरा भी कमजोरी नहीं आने देंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा के बुनियादी महत्व पर बहुत जोर दिया था। संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार होना अनिवार्य है। वो कहते थे कि राजनीति के समान ही शिक्षण संस्थान भी महत्वपूर्ण है। किसी भी समाज की उन्नति उस समाज के बुद्धिमान, तेजस्वी और उत्साही युवाओं के हाथ में होती है। शिक्षा पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया और इसीलिए हम लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने अपने जीते जी नागपुर हो अथवा औरंगाबाद हो अथवा उसके आसपास के क्षेत्र हों जो उनकी कर्म भूमि रही थी, वहाँ पर उन्होंने अनेक विद्यालय और अनेक शिक्षण संस्थाएं बहुत सारी उन्होंने स्थापित की। जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए वे शिक्षा को पहली सीढ़ी मानते थे, पहली सीढ़ी। संविधान में दिए हुए राज्य के नीति निदेशक तत्व सामाजिक न्याय के लिए स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों के लिए काम करना राज्य का काम है। इसी प्रकार भोजन और जीवन स्तर में सुधार करना भी राज्य का दायित्व है। ऐसे अन्य निदेशक तत्व भी संविधान में वर्णित हैं जिनका सीधा प्रभाव अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों पर पड़ता है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकांश लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के विषय में नहीं जानते। इसी प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य, कानूनी सहायता, शिक्षा, कौशल जैसे क्षेत्रों में चलाए जा रहे जन कल्याण के अभियानों और योजनाओं के बारे में भी काफ़ी लोग जागरूक नहीं हैं। यही स्थिति कन्या, महिला, किसान और गरीबों के हित में चलाए जा रहे अभियानों और कार्यक्रमों के विषय में भी है। यह अत्यंत जरूरी है कि समाज के इन वर्गों में उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की पूरी जानकारी मिले। आज हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं या जो नहीं भी आ पाए हैं लेकिन शिक्षित हो चुके हैं, उनका एक विशेष दायित्व बनता है। आज हम जो भी हैं, जहाँ तक बढ़े हैं, इस मुकाम तक पहुँचे हैं, इस सब में अगर सबसे अधिक किसी को, एक व्यक्ति को श्रेय जाता है तो वो डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आज हम सब के ऊपर बाबा साहब का कर्ज है। इस कर्ज को कैसे हमें चुकाना है ये हमें सोचना होगा। इसके लिए हमें आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना होगा। यहाँ पहुँचते पहुँचते हम अपने अनगिनत अनेक भाई बहनों को पीछे छोड़ा है, अनेक। आप जहाँ पर भी खड़े हों पीछे की नज़र दौड़ाएंगे तो आपको लगेगा कि हम तो बहुत आगे निकल आए, पीछे बहुत छूट गए। और एक वर्ग ऐसा है जिसको मैं कहता हूँ बेजुबान, जो पढ़े लिखे हैं, जो नौकरी पेशे में हैं, जिनको बाबा साहब व्हाइट कॉलर कम्युनिटी कहते थे, उनके पास तो आपके पास कुछ साधन है। साधन इस दृष्टि से कि आपको पीड़ा है, आपको तकलीफ है, आपकी समस्याएं हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप लिखित में उन समस्याओं को संबंधित अधिकारी, मंत्री या कोई भी फोरम होगा वहां तक पहुंचा सकते हैं। आप समझदार हैं इसलिए आप धरना, प्रदर्शन, रैलियां भी कर सकते हैं। लेकिन समाज का गरीब समाज है, विशेषकर उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अधिक हैं। वो एक ऐसा जिसको मैं बेजुबान कहता हूँ, पढ़ा लिखा नहीं है,
उन पर अगर अत्याचार होते हैं तो वो अत्याचार सहते हैं, जुबान नहीं खोलते, क्योंकि उनको लगता है उनकी जुबान अगर खोलेंगे तो उनकी बात सुनने वाला कौन है। यहां पर हम सब लोगों का अधिक दायित्व बनता है, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि बाबा साहब जो शिक्षा पर जोर देते थे, यदि हर व्यक्ति इस देश का नागरिक शिक्षित हो जाएगा तो वो समझदार बन जाएगा। समझदारी आनी बहुत जरूरी है। कभी कभी लोग कहते हैं कि पढ़ने से क्या होगा, नौकरियां तो समाप्त हो रही, नौकरी मिलेगी नहीं। मैं उनको एक बात, आज नहीं इसके पहले भी मैं कहता था, मेरे भाई देश का कोई भी हो, यदि आप पढ़ें लिखेंगे तो बाबा साहब ने संविधान में दो अधिकार दिए, एक शिक्षा का अधिकार दिया है और एक वोट का अधिकार, जो कि जब देश आज़ाद हुआ था उसके पहले ये दोनों अधिकार नहीं थे, और विशेष करके इस वर्ग के लिए, वंचित वर्ग को। और ये जो दो अधिकार हम सबको मिले हैं, इनका हम सही रूप में आज तक हम सदुपयोग नहीं कर पाए। मैं सदुपयोग की बात करता हूँ, उपयोग तो कर रहे हैं, वोट का भी उपयोग कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि क्या होगा फिर, जिसको वोट देना है वोट देंगे, समझ नहीं है। पढ़ने के लिए लोग सोचते हैं, वही जो मैंने अभी बात कही कि नौकरी नहीं है तो पढ़ाने से क्या फ़ायदा। तो उसका मैं एक उदाहरण दिया करता था कि आपका बेटा हो या बेटी हो, यदि पढ़ लिख जाएगा तो उसमें सबसे बड़ी जो काबिलियत होगी वो समझदारी होगी, और यदि इंसान समझदार बन गया तो उसको अच्छे और बुरे की पहचान हो जाती है, कौन आपका भला करने वाला कौन बुरा करने वाला है। और कहीं पर एक, मैं जब बिहार का राज्यपाल था तब एक बात, उसका घटना का मैं बात बताता था, इसी बात को लेकर के यहाँ पर भी लोग सवाल उठाते थे कि पढ़ने से क्या होगा, हमारा बच्चा मजदूरी कर लेगा, कुछ कमा के ले आएगा, रिक्शा चला के ले आएगा, शाम को हम सबका पेट भरेगा। तो मैं उनको ये कहता था, आपका जो बेटा बेटी हो, यदि आपका अनपढ़ है और वो यदि यहाँ का, मैं उदाहरण दूँ दिल्ली का, दिल्ली से उसको यदि जाना है अलीगढ़, और वो बस में अगर बैठ जाए और बस का कंडक्टर यदि उसको टिकट तो देगा, पैसा लेगा अलीगढ़ तक का, लेकिन वो टिकट देगा खुर्जा तक का, क्योंकि आप पढ़े नहीं हैं, तो जो आपको टिकट पकड़ा दिया, आपने टिकट ले लिया, आपको पता ही नहीं कि ये टिकट खुर्जा का है या अलीगढ़ का है, और अंततो गत्वा जब खुर्जा में दूसरा कंडक्टर आएगा तो वो टिकट प्लीज़, और जब टिकट देखेगा तो कहेगा आपको उतार देगा, और कहेगा कि श्रीमान जी आपका टिकट जो है वो खुर्जा तक का है, या तो आप और अतिरिक्त किराया दीजिए अलीगढ़ तक का, तो आपको अलीगढ़ हम पहुँचाएंगे। कम से कम बेसिक्स जो हैं, बेसिक जो समझदारी है वो समझदारी तो आएगी। आज मैं आप सब के माध्यम से, मैं देश के हर वर्ग से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग जितना पढ़ लिख गए हैं वो अंतिम नहीं है, लेकिन कम से कम जो हम अपने लोगों को पीछे छोड़ आए हैं, कम से कम एक प्रिलिमरी जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन तो सबको मिले, और सबको मिलेगी केवल कहने से नहीं मिलेगी, जो हम उसका एक आंदोलन चलाएं। और सही मायने में तभी हम बाबा साहब, अपने को बाबा साहब का अनुयायी कह सकते हैं। बाबा साहब भी तो यही करते रहे, जो बाबा साहब करते रहे वही हमें करना है, इसमें मैं कोई नई बात नहीं जोड़ता। उन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया, बहुत जोर दिया मित्रों, लेकिन ये सब मैं आप सबके, हमें आत्मचिंतन करना है और अपनी क्षमता एवं संसाधनों का उपयोग कर। आज हम उतने गरीब नहीं हैं, आज हम इतने पिछड़े नहीं हैं, जितने भी यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं वो संसाधन युक्त हैं, और न जाने कितने लोग हैं। ये हम यदि एक बार हम तय कर लें कि हम अपनी क्षमता और संसाधनों का उपयोग करेंगे, हम अपने ऐसे भाई बहनों के लिए सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये सब मैं आप सबके विवेक पर छोड़ता हूँ कि कैसे हम मदद करेंगे। इस संदर्भ में
फोरम ऑफ एससी एंड एसटी लेजिस्लेटर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस जैसी संस्थाएं समाज के हित में बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। मुझे बताया गया है कि ये फोरम सांसदों और विधायकों को समुचित रूप से जानकारी देते हुए उनके प्रभाव का उपयोग करने में तत्पर है। इस तत्परता के द्वारा संविधान में दिए हुए प्रावधानों और सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का लाभ अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य गरीब तबकों को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाया जाएगा। मैं समाज के कल्याण में संलग्न इस फोरम को सभी प्रयासों में सफलता की शुभकामनाएं देता हूं और संविधान दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।